रामगढ़ जिला के ताफिन पंचायत ग्राम जिल्तिया में आंगनबाड़ी सेंटर है, जहां गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण एवं जांच होना चाहिए, लेकिन यहां की आंगनबाड़ी सेविका एवं आनम की लापरवाही से ठीक से जांच नहीं होती है। রাখয় হাসুই হকি দিয়া অন্ডরগি গড়ি এনাম কিদা ইদিকে এদিয়ে মন্ড আর গিদর খেলি উরুঙ্কা দিয়া আর তিকা চা কই খেলি আর আলে ভিজাও কালি আয় যা ছবা যা বড়া লে লি আয় উসি কেন্দ্র মে জমুনিয়া উলহারা কি ধিনি টুডু টিকাকরণ কে লিয়ে আতি থি আর উসে আগে কি যাঁচ কে বারে মে ভি নহি বাতায়া গয়া জিসকে কারণ ধিনি টুডু কে জুড়ুয়া বচ্চে 18 মার্চ 2012 কো प्रसव के बाद मर गए। पेशेंट सीएचसी भी नहीं आई है कभी जांच कराने के लिए, खुद ही नहीं आती है जांच कराने पेशेंट। आप जानकारी के लिए किसी को भेजते हैं? जानकारी में आंगनवाड़ी है, एएनएम है, वहाँ जाती है बताती होगी वो लोग उसको। और यहाँ जांच वक्त जांच जाता चीज कहीं चला तो आंगनवाड़ी वाले लोग से पूछे क्यों नहीं बताई। उसके साथ पहले भी 15 अगस्त 2009 में भी पहली घटना घटी थी। उसी समय प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में जांच जाकर प्रसव एएनएम के द्वारा हुआ था, ना उसे जननी सुरक्षा पेंशन पर पैसा मिला, ना उसका बच्चा बचा, उनको ही ऊपर से 1000 रुपया देना पड़ा। आंगनबाड़ी केंद्र रे जांच हुई कान तपे गया बा हुई कना एनम तकिन जाना पे मेन का किन गया कि जांच चे लगी बा हुई मैं किन ये को गी बनु तलिया बले गुइदा त चे तले जांच पिया। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई, उप स्वास्थ्य केंद्र में संपूर्ण जांच नहीं होता है, जिसके कारण मेरी बहन ढीनी टुडू के साथ बार बार ये घटना घट रही है। मैं आप सभी जनता से अपील करती हूँ कि मांडू प्रखंड के प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी वंदना कौर पर दबाव बनाएं, ताकि स्वास्थ्य सेवा जन जन तक पहुँच सके। मैं मंजू किस्कू रामगढ़ जिला के झारखंड राज्य से इंडिया अनहर्ड के लिए।